क्लास हिंदी क्लास 3 पार्ट 6 आदर्श भाई भरत वीडियो 12। इसमें हम सबसे पहले इसकी बुक की एक्सरसाइज देखेंगे। सही विकल्प पे निशान लगाना है जो सही है। नंबर 1 है राजा दशरथ की कोई, इसमें आ पे लगाएंगे, संतान ना थी। नंबर 2 राजा दशरथ की रानियां थी, कितनी, वा पे लगाएंगे 3। नंबर 3 राजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ से प्राप्त हुए थे, वा पे लगाएंगे 4 पुत्र। नंबर 4 राजा दशरथ राज्य की बागडोर सौंपना चाहते थे, नंबर 4 पे लगाएंगे राम को। नंबर 5 राम सीता व लक्ष्मण शहीद बन को चले गए, वा पे लगाएंगे पिता की आज्ञा मानकर। इसके बाद हम देखेंगे ये खालिस्तान, उपयुक्त शब्द चुनकर एक स्थान बनाया। 2 शब्द दिए हैं, नंबर 1 राजा दशरथ - अयोध्या में राज करते थे, नंबर 2 राजा दशरथ के राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी थी, - में क्या आएगा, सुखी। नंबर 3 केकई ने राम के लिए - 14 वर्ष का वनवास मांगा। नंबर 4 राम की वनवास जाने के समय भरत - ननिहाल गए हुए थे। नंबर 5 - चित्रकूट में भरत की राम से भेंट हुई। इसके बाद जोड़ियां देखेंगे, राम को सा वन भेज दिया गया, सा से मिलाएंगे। नंबर 2 केकई ने भरत के लिए दा से अयोध्या का राज्य मांगा। नंबर 3 भरत राम के या चरणों में गिर गए, या से मिलाएंगे। नंबर 4 अयोध्या नगरी आज अब सब प्रकार से संपन्न थी। नंबर 5 दशरथ को बा से मिलाएंगे, एक बात की चिंता बनी रहती थी। नंबर 6 सही कथन के सामने सही जगत के सामने गलत का निशान लगाइए। नंबर 1 चारों भाइयों में राम सबसे बड़े थे, सही। नंबर 2 केकई भी चाहती थी कि राम राजा बने, सही। नंबर 3 मंत्रा चाहती थी कि राम राजा बने, गलत। नंबर 4 केकई ने राम को बन जाने से रोका, गलत। नंबर 5 मंत्रा ने केकई को राजा दशरथ से वरदान मांगने को उकसाया, देखेंगे आप सही। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन रीड कर रही हूँ मैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, रानी केकई किसके बहकावे में आ गई थी। नंबर 2 केकई ने राजा दशरथ से क्या मांगा था। नंबर 3 क्वेश्चन, भरत जी चित्रकूट में राम से मिलने क्यों गए थे। नंबर 4 क्वेश्चन, राम भरत के साथ वापस क्यों नहीं लौटे थे। ये इसके क्वेश्चन है। इसके बाद इसके आंसर है, ये आंसर देखेंगे हम। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मैं रीड करूंगी, मैं आप देखेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर है, रानी केकई दाई मंत्रा की दासी जो थी ना, उनकी दासी होती थी राजमहल में, दासी मंत्रा के बहकावे में आ गई थी। किसके बहकावे में आ गई थी, रानी में आ गई थी, दासी के बहकावे में आ गई थी। इसके बाद सेकंड आंसर देखेंगे, केकई ने राजा दशरथ से भरत के लिए राज व राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। नंबर 3 आंसर है, राम के वन गमन के समय पर वन बन जाते समय भरत जी कहाँ पे थे, ननिहाल में थे। लौटने पर उन्हें राम के वन गमन का पता चला तो उन्हें वापस अयोध्या लाने के लिए भरत जी चित्रकूट गए। आंसर नंबर 4, राम ने पिता को 14 वर्ष के लिए वनवासी होने का वचन दिया था, वे वचन भंग करने में असमर्थ थे, सो उन्होंने भरत जी के साथ वापस लौटने से मना कर दिया था। किसने मना कर दिया था, राम जी। इसके बाद हम देखेंगे का क्वेश्चन, इनके विलोम शब्द लिखना है, शत्रु का मित्र हो जाएगा, गुण का अवगुण, राजा का रंक, आकाश का पाताल, संपन्न का विपन्न, कठिन का सरल, सात का अहित, सुखी का विलोम क्या हो जाएगा, सुखी। यहाँ पे सुखी का सुखी लिख दिया है मिस्टेक, आपको सुखी का लिखना है दुखी। कर्ता चुनकर लिखना है, इसमें से कर्ता यानी नंबर 5 क्वेश्चन में कौन है कर्ता करने वाला, तो राम बन गए, इसमें क्या है कर्ता, राम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, राम। नंबर 2 में भरत जी ननिहाल गए थे, इसमें क्या है, भरत जी। नंबर 3 अयोध्या की प्रजा उनके साथ गई, तो क्या लिखेंगे, अयोध्या की प्रजा। नंबर 4 कुलगुरु ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, इसमें क्या लिखेंगे आप, कुलगुरु। नंबर 5 बेराम के चरणों पर गिर पड़े, तो क्या लिखेंगे इसमें आप,
होगा बटनी सुधार कर लिखिए तपस्वी। क्या हो जाएगा बटनी सुधार कर क्या लिखना है इसमें, सा और बापे माता लगी है छोटी की, जबकि बापे बड़ी की माता लगती हो जाएगा तपस्वी। धैर्यशाली में आई की माता लग जाएगी ढापे, वैसा का वैसे ही लिख जाएगा धैर्यशाली। आदर्श में शाह सीटी वाले पे रा लग जाएगा, दा से हटके आदर्श। चित्रकूट लिख दिया है तो चित्रकूट कैसे लिखा जाएगा, चापे छोटी की मात्रा आ जाएगी, बाकी सारा वैसे ही रहेगा। भ्रात प्रेमी में क्या हो जाएगा, भ्रात सामने क्या लग जाएगा, नीचे रा लग जाएगा, वैसा का वैसे ही रहेगा। प्रार्थना, प्रार्थना में क्या लग जाएगा, था के ऊपर रा लग जाएगा, प्रार्थना। नंबर घामन के लिंग लिखना है कि ये कौन से लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। रानी क्या है, स्त्रीलिंग। पुत्र पुल्लिंग है, भाई भी पुल्लिंग है, राजा भी पुल्लिंग है, केकई भी स्त्रीलिंग है और पुत्री भी क्या है, स्त्रीलिंग। स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आपको फेयर वर्ड लिस्ट में क्या लिखना है, उसे सरकार लिखना है, उसको प्रशुद्धता लिखना है, बाकी सारे एक्सरसाइज लिखने भी करना है, इसे लर्न करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी, तब तक के लिए गुड बाय।